बदल गया SC ST आरक्षण सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुखी मायावती, मोदी और राहुल को दिया खुला चैलेंज। एक अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला देते हुए SC ST के कोटे में कोटा सिस्टम को मंजूरी दे दी। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे सकेंगी, यानी अब SC कैटेगरी के अंदर आने वाली अलग अलग जातियों में रिजर्वेशन कोटे का बंटवारा राज्य सरकारें कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलित नेता असहमति जता रहे हैं। बसपा चीफ मायावती ने भी कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है और उन्होंने कहा कि इस निर्णय से असंतोष की भावना पैदा होगी और साथ ही राज्यों के बीच टकराव भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर बसपा चीफ ने BJP और उसके सहयोगियों समेत कांग्रेस तक को बड़ा चैलेंज दे दिया है। मायावती ने अब गेंद PM मोदी और कांग्रेस के पाले में डाल दी है। दरअसल मायावती ने कोर्ट के इस फैसले को पलटने की अपील की है। मायावती ने कहा, यह बहुत बुरा हुआ है। केंद्र सरकार खुद को दलितों और आदिवासियों की हिमायती बताती है। सरकार ने इस केस की पैरवी सही तरीके से नहीं की। कांग्रेस ने भी झोलमोल रवैया अपनाया, इसलिए मेरा केंद्र की BJP और उसके सहयोगियों को कहना है कि सरकार की अगर नियत साफ है तो वह इस आदेश को लेकर संविधान में संशोधन कर इसे नवी सूची में लाए और इस फैसले को पलट दे। संसद को ये पावर होती है, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस, BJP और दूसरी पार्टियां SC ST और OBC आरक्षण को लेकर नियत साफ नहीं रखती हैं। कोर्ट के फैसले पर बसपा चीफ का तर्क है कि SC ST का जो आरक्षण मिला है वह शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक समानता को बराबर करने के आधार पर मिला है। उनके बारे में आज भी सामाजिक नजरिया नहीं बदला है, इसलिए उन्हें आरक्षण मिलना जरूरी है। बसपा चीफ ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि SC ST आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ 10 या 11% लोग ही मजबूत हुए होंगे, बाकी 90% के करीब आज भी बुरी हालात में हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरक्षण की ज़रूरत वाले करीब 90% लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर उन्हें इस फैसले के हिसाब से हटाया गया तो बहुत बुरा होगा। बहरहाल अब देखना होगा क्या मोदी सरकार मायावती की इस अपील पर गौर करेगी, क्या सरकार कोर्ट के फैसले को पलटने की हिमाकत करेगी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें 1 इंडिया हिंदी के साथ।